रिको एनिमेशन इस तरह की स्टिकी एनिमेशन वीडियोस बनाकर हर महीने 200 मिलियन प्लस व्यूज ले रहा है एंड मिस्टर बीस के अकॉर्डिंग रिको का चैनल हर महीने 10 लाख तक अर्निंग करता है। ये वीडियोस बहुत ही इंगेजिंग होती है जिसकी वजह से लोग इन्हें बार बार देखते हैं और यूट्यूब इन वीडियोस को और ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है। तभी तो रिको की मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट वीडियोस में 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। इस तरह की स्टिकी एनिमेशन वीडियोस को तुम फ्लिप क्लिप ऐप में अपने फोन से बना सकते हो, लेकिन तुम्हें हर फ्रेम को ड्रॉ करना होगा जिसमें काफी टाइम लग सकता है। पर रिको एनिमेशन की एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसने कुछ ऐसी वीडियोस बना के 1.5 लाख तक फॉलोअर्स कर लिए हैं। अब इस तरह की वीडियोस को तुम AI टूल का यूज करके इजीली बना सकते हो। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली माय इंग्लिश इज नॉट गुड, ओके, बट यू नो टॉम एंड जेरी? यस, द कार्टून। या, जेरी इज हियर इन माय रूम। Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please, come here and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay, come please. मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे तुम फ्री में इस तरह की वीडियोस को सिर्फ अपने फोन में बना सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हमें स्टिकी एनिमेशन वीडियोस के लिए फनी जोक्स फाइंड करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम चाहो तो गूगल या फिर खुद से भी जोक्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं ChatGPT का यूज करने वाला हूँ। मैं स्कूल बॉयज फनी जोक्स पर वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन तुम किसी और नीश को भी चूज कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। तो मैं ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दूंगा, गिव मी 10 स्कूल बॉयज फनी जोक्स एंड देयर आंसर्स। तो ChatGPT मुझे 10 जोक्स दे देगा। इन सभी को मैं सेव कर लूंगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, जहां हम AI वॉइस ओवर को जनरेट करेंगे। इसके लिए मैं क्लिपचैम का यूज करूंगा क्योंकि ये 100% फ्री और इजी टू यूज है। ये टूल PC और फोन दोनों में वर्क करता है, जिसके बारे में मैंने काफी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो आप उन्हें देख लेना। तो क्लिपचैम को ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट ए न्यू वीडियो को सिलेक्ट करके रिकॉर्ड एंड क्रिएट टूल में जाना है और यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच का एक ऑप्शन है जहाँ पर क्लिक करें। अब जो स्क्रिप्ट हमने ChatGPT से जनरेट करवाई थी उसमें से पहले सवाल को कॉपी करना है, क्योंकि मुझे हर जोक के लिए अलग ऑडियो बनानी होगी। लेकिन अगर तुम कुछ और कर रहे हो तो तुम एक साथ भी ऑडियो को जनरेट कर सकते हो। तो उस कॉपी लाइन को यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ तुम्हें सबसे पहले वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब इस वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश में है तो मैं इसे इंग्लिश ही रहने दूंगा, और अगर इसकी लैंग्वेज हिंदी होती तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन है। उसके बाद नीचे वॉइस में कोई एक वॉइस चूज करो जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मैच करे, फिर उसे सेव करके एक्सपोर्ट कर लो। ऐसे तुम्हें दूसरी लाइन को भी कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके अलग वॉइस सेलेक्ट करनी है और फिर उसे भी सेव करके एक्सपोर्ट कर लेना है। अब जब हमारे पास ऑडियो रेडी है तो चलो इसे एनिमेट भी करते हैं। एनिमेशन के लिए मैं Adobe Express वेबसाइट का यूज करूंगा। बस गूगल में जाके Adobe Express सर्च करो, पहले लिंक पर क्लिक करो और फ्री अकाउंट से रजिस्टर कर लो। इस डैशबोर्ड पर आके इस प्लस वाले टैब पर क्लिक करो और फिर क्विक एक्शन पर जाओ। यहाँ एनिमेशन फ्रॉम ऑडियो ऑप्शन को चूज करो और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इन सभी में से किसी एक को पिक कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने एक स्टिकी फिगर को चूज किया है तुम्हें दिखाने के लिए। नेक्स्ट बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करो और एक बैकग्राउंड चूज कर लो। अब मुझे स्कूल का बैकग्राउंड चाहिए तो मैं यहाँ से स्कूल का बैकग्राउंड चूज कर लूंगा। फिर है साइज का ऑप्शन। साइज का मैटर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है जहाँ तुम पोस्ट करोगे, एंड सिंस हम शॉर्ट और रील्स के लिए बना रहे हैं तो चूज करेंगे। अब चलते हैं ऑडियो पर। ऑडियो के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो या ऑलरेडी डाउनलोड ऑडियो को यहाँ पे अपलोड करो। अब हमने ऑलरेडी एक AI ऑडियो को जनरेट करके डाउनलोड किया है, तो बस ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करो और अपनी ऑडियो को चूज करके यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर दो, एंड 1 मिनट के बाद तुम्हारी एनिमेशन रेडी हो जाएगी। अब तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन याद रखना बाकी ऑडियो फाइल के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब इन दोनों क्लिप्स को कैप्चर में जाके जॉइंट करो और एक वीडियो बनाओ, फिर इसमें ऑटो कैप्शन और कुछ साउंड इफेक्ट जैसे कि लाफिंग ऐड करो, और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। Why was the math book sad? Because it had too many problems. Ayoga!